2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को भुनाया, उससे इंडिया गठबंधन को खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिला, जिससे दोनों के हौसले बुलंद है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला काम कर गया, दूसरा संविधान और आरक्षण के मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे उसको बड़ा फायदा मिला। अब लोकसभा चुनाव की ही तर्ज पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति अभी से बना रही है, जिसमें आरक्षण को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि इस मुद्दे ने उसको उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा दिया। जी हाँ, बता दें कि कांग्रेस आरक्षण के जरिए सियासी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है। इसमें आरक्षण का मुद्दा अहम है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा देने का फायदा मिला, उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में भी यह सियासी तौर पर कारगर हथियार हो सकता है। बता दें कि कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को निरंतर धार देगी। इसके लिए पार्टी शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थानों में नियमित भर्ती के साथ ही संविदा एवं आउटसोर्सिंग की भर्तियों में आरक्षण का पालन कराने के लिए आंदोलन करेगी। यह आंदोलन अगस्त शुरू होगा। जिला मुख्यालय के साथ जहां पर संबंधित संस्थान होगा, उसके आसपास प्रदर्शन कर राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग विभाग को सौंपी गई है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में इंडिया गठबंधन को मिले समर्थन की एक बड़ी वजह आरक्षण है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग आरक्षण की अनदेखी से जुड़े प्रकरण जुटा रहा है। विभाग विश्वविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों में नियमित नियुक्ति, खाली पद, बैकलॉग वाले पदों से संबंधित दस्तावेज जुटा रहा है। इसी तरह से संविदा एवं आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन विभिन्न संस्थानों में इसकी अनदेखी हुई है। पिछड़ा वर्ग विभाग इन भर्तियों से संबंधित दस्तावेज भी जुटा रहा है। इन दस्तावेजों के आधार पर ज्ञापन बनाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा जाएगा। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस आरक्षण के जरिए सियासी बढ़त बनाए रखने की कोशिश में है। इसमें आरक्षण का मुद्दा अहम है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को हवा देने का फायदा मिला, उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में भी यह सियासी तौर पर कारगर हथियार हो सकता है। यही वजह कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने पिछड़ा वर्ग विभाग को इस मुद्दे को हवा देते रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को हवा दिया, उससे उसको बड़ा फायदा भी मिला। उसको लेकर एनडीए के कई नेताओं का यही कहना है कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया, झूठ फैलाया। लोगों में ये संदेश गया कि अगर बीजेपी आएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी। वही अब उसी प्लान पर विपक्ष काम करने जा रहा है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति विपक्ष ने बनानी शुरू कर दी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में अगर विपक्ष कामयाब होता है, उसका पीटीएफ फार्मूला और संविधान आरक्षण का मुद्दा काम करता है, तो उसके लिए 2027 का विधानसभा चुनाव आसान हो जाएगा।